बिल्ली का टुकड़ा बच जाता है और बिल्ली काम करने के लिए बच जाता है और बिल्ली का टुकड़ा बात सुन रहे दिल्ली का टुकड़ा और बिल्ली और जानवर बिल्ली में बिल्ली का बच्चा जानवर बिल्ली का नहीं और दिल्ली का टुकड़ा बच जाता है मिसाल देते हैं जानवर बिल्ली से लेकिन भगवान आकर के जानवरों को पढ़ाते हैं या मनुष्यों को पढ़ाते हैं तो मनुष्यों को जानवरों का मिसाल क्यों दिया क्योंकि मनुष्य जानवरों से भी बदतर बन गए हैं जिन्हें जानवरों का मिसाल दिया माया बिल्ली की बात हो रही थी माया बिल्ली की क्या खासियत होती है कमजोर पड़ते दबोच लेती है लोगों को तो दबोचती है चूहे गणेश की सवारी बनते हैं परंतु सारा दूध पी जाती है हद के दूध की बात है यह बेहद के दूध की बात है बेहद का ज्ञान का दूध है जो बेहद का ज्ञान का दूध पीता है वो ही फुल सरेंडर हो सकता है फुल सरेंडर भी पहले होती है अपने से पहले और किसी को सरेंडर नहीं होने देती इतनी पावरफुल है ऐसी पावरफुल चालाक बिल्ली के यज्ञ के आज में पूरे हुए तुम पूरे हो या आज में जो आए सो पूरे थे उन कुंवरों को माया आकर के चिपक गई रामानुसार वो कुंवरे बच गए भावना की बात है और आत्मा के बिना आप कहीं कुछ नहीं कर सकते शरीर के बिना तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता हाँ जैसे मुरली का पॉइंट लाया आपने आत्मा के बिना शरीर नहीं कर सकता हाँ शरीर के बिना आत्मा भी तो कुछ नहीं कर सकता हाँ ठीक है तो पर पता देखने बोले तो मुरली का पॉइंट लाया हाँ हाँ ये इशारा दिया जो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है मनुष्य सृष्टि का बीज है उस मनुष्य सृष्टि के बीज के बगैर आत्माओं का बाप भी कुछ नहीं कर सकता और मनुष्य सृष्टि का बीज भी आत्माओं के बाप के बगैर कुछ नहीं कर सकता मनुष्य सृष्टि के बीज के बगैर भगवान बाप को कोई नहीं पहचान सकता और भगवान बाप जो आत्माओं का बाप है उसके बगैर प्रजा पिता की दुनिया को किसी को पहचान नहीं हो सकती ये इशारा दिया तो इसलिए कहा गया है आदम को खुदा मत कहो आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के रूप से आदम जुदा नहीं हाँ जी जुदा नहीं वो तो समझते हैं हमेशा के लिए जुदा नहीं बाप ने ऐसे नहीं कहा ये संगम युग की यादगार है खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं 5000 वर्ष के ड्रामे के लिए ये बात लागू होती है क्या नहीं लागू गण कहा जाता है समूह को कम से कम 2 इकट्ठे होते हैं तो समूह बनता है इसलिए
जब ईश्वर का ज्ञान शुरू हुआ उस समय भारतवर्ष में दो बहनों की जोड़ी भी प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस का निशान पहले पहले क्या था? दो बैलों की जोड़ी। यहाँ भी बेहद की कांग्रेस में दो बैलों की जोड़ी थी। छोटा बाबा और बड़ा बाबा। राम बाली आत्मा पहला ब्राह्मण, पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र, तो पहला भक्ति राम बाली आत्मा से शुरू होता है क्या? पहला भक्ति को शुरू होता है ब्राह्मण को भक्ति नहीं कहा जाता। हाँ जी, ब्राह्मण को ये नहीं कहेंगे कि भक्ति है। नहीं, ये तो ठीक है। पहला भक्ति किन द्वारा शुरू होता है? पहला भक्ति दामों से किन द्वारा शुरू होता है? वो भक्ति का बीज होगा, वो भक्ति का बीज बीजारोपण करेगा। भक्ति का बीज ब्रह्मा बाबा है या ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला कोई है? राम मंदिर आपका ही होगा। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा ब्रह्मा का भी बाप है। तो जब ब्रह्मा का बाप है तो अम्मा भी कोई होगी या नहीं होगी? और जो अम्मा होगी वो जीवात्मा होगी या सिर्फ आत्मा होगी? जीवात्मा माने क्या? जीवन वो आत्मा होता है। आत्मा भी है और साथ साथ शरीर भी है। शरीरधारी है, देह अभिमानी है, तो वाचा की ताकत वाली है। और आत्मा अभिमानी है तो बोल बोल करने वाली होगी या समझने वाली होगी, समझाने वाली होगी। दोनों माताएं जब इकट्ठी होती है तब महालक्ष्मी कहा जाता है। छोटी माता और बड़ी माता। बाकी ओम राधे तो कार्यवाहक माता थी, असली माता नहीं है। टाइटलधारी माता है। और तो भक्ति माता से शुरू होता है क्या? ये बाबा से ना भक्ति स्थूल होती है, दिखावे की होती है या आत्मा स्थूल होती है दिखावे की होती है? भक्ति भक्ति दिखावे वाली होती है। शरीर देखने में आता है और आत्मा देखने में नहीं आती है। दिखावे की चीज शरीर है। तो अब बताओ माता के जो दो रूप हैं, एक आत्मा और एक शरीर, उनमें शरीर कौन है, कौन सी माता? देह अभिमानी कौन सी है और आत्मा अभिमानी कौन सी है? सच्ची गीता कौन है और झूठी गीता कौन है? बड़ी माँ देवी हमारी छोटी माँ झूठी माता है, सच्ची गीता। और बड़ी माता है झूठी गीता। झूठी गीता से झूठा जग बन गया। सच्ची माता से स्वर्ग बन गया। ताकत किसमें ज्यादा होती है? सच्चाई में ज्यादा ताकत होती है या झूठ में ज्यादा ताकत होती है? शरीर और आत्मा दो बातें हैं। सच्चा कौन है और झूठा कौन है? शरीर झूठा है और शरीर झूठा है
तो आत्मा आत्मा शक्ति है, शरीर सदैव रहने वाला नहीं है और आत्मा सदैव रहने वाली है। लक्ष्मी सदैव नारायण के साथ है। सदैव है या कभी है कभी नहीं है, है? कभी नारायण के साथ है और कभी नारायण के साथ नहीं है। ये शरीर और आत्मा का हिसाब है। विक्रमादित्य 1 2 3 4 ऐसे तो हुआ है, नंबर 1 विक्रमादित्य कौन? नारायण 1 2 3 4 हुए हैं, विक्रमादित्य भी 1 2 3 4 हुए हैं, तो कलयुग के अंत में एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हुआ। रामबली का फर्स्ट जो सबका बाप है वो नंबर में आएगा पहला, या नंबरों से ऊपर होगा। 8 नारायणों में जो सतयुग के 8 नारायण है उनमें रामबली आत्मा की गिनती होगी नहीं, या उनका सबका बाप वो है, वो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। बाबा भक्ति मार्ग में अकाला के पेड़ को गणेश का पत्नी क्यों पूजा जाता है? अकाला के पेड़ को गणेश का पत्नी मानकर पूजा जाता है। भक्ति मार्ग में केले का पेड़ जो है जो गणेश को बचाते हैं उसका पूजा क्यों होता है? गणेश के सामने केले का पेड़ वो बोल कर रूप में दिखाता है, वो क्यों दिखा रहा है? ये अम्मा कौन है? जो अम्मा है से जो फल पैदा होता है वो क्या कहते हैं? फलों की रानी कहते हैं या फलों का राजा कहते हैं? वो फलों की रानी है। फलों की रानी भी कहीं से निकलती है? केले के पेड़ से निकलती है। केले का पेड़ और उसका ये संबंध है। और बाबा बाबा ओम का अर्थ है गुम है गोष्ठ मोस्ट बिलीव्ड चिल्ड्रन, बहुत प्यारे चिल्ड्रन जो होते हैं, बहुत प्यारे जो बच्चे होते हैं, बहुत पुराने जो बच्चे होते हैं, पैरोटी का जो बच्चा होता है वो मोस्ट प्यारा होता है। बाबा ओम का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और माया, किंतु ओंकार का अर्थ क्या है बाबा? ओंकार का मतलब ये है जिसमें तीनों कार्य नुदे हुए हैं। ब्रह्मा का कार्य भी नुदा हुआ है, विष्णु का कार्य भी नुदा हुआ है और शंकर का कार्य भी नुदा हुआ है। तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, परंतु इन तीनों से भी ऊंचा कौन है? वो साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वही करण करावन आ रहे है। ये असली कार्यकर्ता वही है, इसके लिए कहा जाता है ओंकार। बाबा मतलब कोकी को धागा बांध कर जलाया जाता है, मतलब कोकी पक जाती है पर कोकी को धागा बांध कर जलाया जाता है, मतलब कोकी पक जाती है पर धागा नहीं जलता। होली में गौ का जो गोबर होता है उससे कोकी बनाते हैं,
कोकी में बीच में छेद रखते हैं, गोल गोल होता है, कोकियों की माला बनाते हैं, उस माला में जो धागा डाला जाता है, जब आग लगाई जाती है कोकियों की माला में तो कोकी सारी जल करके राख हो जाती है और धागा धागा नहीं जलता है। धागा कौन सा है? ये धागा प्रेम का धागा है। इस प्रेम के धागे में परमात्मा बाप आकर के माला तैयार करते हैं। ये परमात्मा प्यार की माला है। ये प्यार प्राय लोक तो होता है लेकिन पूरा लोक नहीं होता है। गटगट में परमपिता परमात्मा की याद समाई हुई है। याद माने प्यार समाया हुआ है। अभी तो बताया भगवान की याद समाई हुई है, वो दुनिया को नहीं दिखाई पड़ती है। भगवान बाप ही आकर के बताते हैं कि इस दुनिया के कण कण में वो याद समा जाती है। याद का वाइब्रेशन भर जाता है। जब वो वाइब्रेशन भर जाता है तो दुनिया सतोप्रधान बन जाती है। वाइब्रेशन का अंश मात्र जब समाप्त होने को आता है तो ये सारी दुनिया काम की बन जाती है, नष्ट हो जाती है। सभी आत्माएं जिन आत्माओं में परमात्मा बाप के प्रति प्यार भरा हुआ है वो परमात्मा बाप के साथ परमधाम वापस लौट जाती है। तब ये सृष्टि का कण कण 100% तमो प्रधान बन जाता है। बाबा इधर भगवान की एक नाम वेंकटेश्वर क्यों है? वेंकटेश्वर एक नाम वेंकटेश्वर क्यों है? विकट माने भयंकर, विकट पाठ बजाने वाला। वेंकटेश्वर जो भयंकर पाठधारी है उनका भी ईश्वर है। उनके भी ऊपर कंट्रोल करने वाला स्वामी है, इसलिए उसका नाम वेंकटेश्वर स्वामी कहा जाता है। रुद्रमाला है विकट पाठ बजाने वाली, रौद्र रूप धारण करने वाली आत्माओं की माला। उनका ईश्वर कौन है? उनका कंट्रोलर कौन है? जो उनका कंट्रोलर है वो ही वेंकटेश्वर है। पावरफुल है। कहते हैं शंकर जी को दो बच्चे थे। कार्तिकेय बड़ा बच्चा था और गणेश छोटा बच्चा था। अब सब कोई जानता है कि किसी आदमी को दो बच्चे पैदा होते हैं
एक पहले पैदा होता है, एक बाद में पैदा होता है। तो पहले पैदा होने वाले बड़े बच्चे में ज्यादा पावर होती है या छोटे बच्चे में ज्यादा पावर होती है? बड़े बच्चे में ज्यादा पावर होती है। असुर पहले पैदा हुए या देवताएं पहले पैदा हुए? असुर पहले पैदा हुए तो ज्यादा पावरफुल थे, और देवताएं बाद में पैदा हुए तो कम पावरफुल थे। लेकिन बाप कमजोर की रक्षा करता है या ज्यादा पावरफुल की रक्षा करता है? बाप का धर्म क्या है? है कमजोर की रक्षा करना, कम पावर वाले की रक्षा करना। बाप गरीब निवास गया हुआ है, देवताओं की रक्षा करने के लिए आता है, असुरों की रक्षा का विरोध धारण किया हुआ नहीं है। तो ये दो प्रकार के बच्चे हैं, भगवान बाप इस साकार स्वरूप में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो साकारी भगवान के दो बच्चे हैं, दो कैटेगरी के, कार्तिकेय और गणेश। ज्यादा ज्ञान कौन धारण करता है? छोटे बच्चे जो देवताएं होते हैं, महात्माएं होते हैं, वो ज्यादा ज्ञान धारण करते हैं या बड़े असुरों ने ज्यादा ज्ञान धारण किया है? छोटे बच्चे ज्ञान ज्यादा धारण करते हैं। गणेश ने भगवान की दी हुई बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान मिला वो अच्छी तरह धारण किया, और कार्तिकेय ने वो धारणा नहीं कर पाई। इसलिए जब परीक्षा हुई तो परीक्षा में गणेश पहले पास हो गया और कार्तिकेय दूसरे नंबर में चला गया। तो देवताएं स्वर्ग की अधिकारी बन जाते हैं। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, और असुर उस स्वर्ग का राजभाग नहीं ले पाते। इसलिए कार्तिकेय को छह मुख दिखाए गए हैं, वो छह धर्मों में कन्वर्ट होने वाला है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये सात धर्म हैं जो आस्तिकवाद में माने जाते हैं, भगवान को मानने वाले हैं, परंतु भगवान को जानने की कोशिश नहीं करते। देवताएं देवात्माएं भगवान को जानने की कोशिश करती हैं, जानती भी है, पहचानती भी है। कार्तिकेय है वो सदैव छह मुखों की बातें करता है, छह मुख से बात करता है, और गणेश को भले काट करके देह अभिमान का मुख लगाया गया, वो एक मुख से बात करता है या अनेक मुखों से बात करता है? एक मुख से बात करता है। ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? गणेश ज्यादा पावरफुल बन गया या देवताएं ज्यादा पावरफुल बने? वो असुर ज्यादा पावरफुल बने।
गणेश ज्यादा पावरफुल हो गया। मैंने माँ बाप की पहले परिक्रमा लगा ली, तो माँ बाप को फॉलो करने वाला फॉलो फादर बच्चा गणेश बना, गृहस्थी बच्चा गणेश बना माँ बाप की तरह, या कार्तिकेय बना, कार्तिकेय सन्यासी का सन्यासी रह गया और गणेश प्रवृत्ति मार्ग का फर्स्ट क्लास बच्चा बन गया। इसलिए गणेश की पहले पूजा की जाती है। कौशिक कौशिकी को पार्वती से पार्वती के अंश से निकलने में दिखाते हैं। हाँ देखो देखो क्या। हाँ कौशिकी को पार्वती का अंश से निकलने में दिखाई, लेकिन इसका मतलब क्या है? कार्तिकेय को कौशिकी को कौशिकी पार्वती का अंश से निकलना हुआ देखा है, इसका मतलब क्या है? दुनिया की सारी पैदाइश माँ से पैदा होती है, माँ के द्वारा जन्म लेती है या बाप डायरेक्ट जन्म देता है? पहला नंबर और आठवां नंबर में क्या अंतर है? और आठवां ही पूछते हैं। हाँ अष्टम पहला नंबर देवताओं को पूजा जाता है, आठवें नंबर में और पहले नंबर में क्या अंतर है? क्या अंतर है और आठवां ही पूछते हैं? पूजा तो आठों को जाता है, अष्टम आस्तिक धर्म कितने हैं? टोटल आस्तिक माने भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले धर्म कितने हैं? आठों धर्मों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं भी होती है और निष्कृष्ट से निष्कृष्ट नीच आत्माएं भी होती है। आठों धर्मों में से जो अव्वल नंबर का आत्मा चुनी गई वो आठ की लिस्ट में आती है। भगवान बाप आते हैं तो चयन करते हैं ना कि सबको एक साथ ज्ञान मिलता है, है? या नंबरवार मिलता है? नंबरवार मिलता है। इस नंबर से आत्माएं ईश्वर के ज्ञान को धारण करती है, इसी नंबर से परम धाम से उतरती है। और भगवान बाप 63 जन्मों के श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर उन श्रेष्ठ आत्माओं को पहले पहले चुनता है। आठ धर्म और उनमें से चुनी हुई आठ श्रेष्ठ आत्माएं सारे संसार की पूर्वज आत्माएं हैं, परंतु वो आठ धर्म एक जैसे हैं या नंबरवार हैं? नंबरवार। वो आठों के आठ नंबर बन जाते हैं, है तो वो आठों हिस्से, क्योंकि बाप सूर्य को पहचान लेते हैं, परंतु पहचान में भी नंबरवार है या एक जैसे है? नंबरवार। तो कहां पहला और कहां आठवें नंबर का अंतर होगा या नहीं होगा? बाबा मैं तो भारत सोने की पूजा की है, अभी क्यों पनीर होगी? सोने की चिड़िया और लोहे की चिड़िया,
ज्यादा कीमत किसकी होती है? सोने की चिड़िया होती है क्या? नहीं होती है। फिर क्यों कहा गया? सच्चाई को ही सोना कहा जाता है। वो सच्चाई प्रत्यक्ष करने वाला सत्य बाप आता है सृष्टि पर, तभी भारत सोने की चिड़िया बनता है। और वो सोने की चिड़िया मजबूती हो जाती है जब विदेशी धर्म पिताएं आते हैं, तो सोने की चिड़िया ऊंची हो जाती है। पुंगरे माने बच्चे, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे। नर माने मनुष्य और का माने करने वाला। मनुष्य जो करता है वो रंग करता है या भगवान की तरह सच्चा करता है? मनुष्य रंग करता है और भगवान राइट करता है। तो मनुष्य ने जो कुछ बनाया वो साफ नरक बन गया, भगवान ने जो बनाया साफ सच्चा सत्य युग बन गया। सत्य माने नीचे काले नहीं दिखाई गए, उल्टा भूतिया है। बोलो ठंडे हो गए। बिना का जगन्नाथ चार है, बिना का जगन्नाथ जगन्नाथ माने देवता और नाथ माने स्वामी। श्री नाथ माने देवताओं का स्वामी। कौन है श्री? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? देवताएं सतयुग त्रेता के या द्वापर कलयुग के द्वैतवादी असुर, दो दो बातें करने वाले कौन श्रेष्ठ हैं? सतयुग त्रेता के जो देवताएं हैं वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अद्वैतवादी हैं, एक के पीछे चलने वाले हैं, द्वैतवादी असुर नहीं है। इसलिए देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री माना श्रेष्ठ, उनका नाथ माना श्रीनाथ। वो श्रीनाथ पुरुषार्थ पूरा होने के बाद श्रीनाथ बनता है, पुरुषार्थ के आरंभ और मध्य में श्रीनाथ बनता है? आरंभ में नहीं बनता, मध्य में नहीं बनता। जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तब श्रीनाथ बनता है। जगत कब होता है? जगत सतयुग के आदि में होता है, त्रेता के आदि में होता है, या द्वापर के आदि में होता है, या सारा जगत कलयुग के अंत में होता है? कलयुग अंत में सारा जगत होता है। सारा जगत माने सारा विश्व, जहाँ सब धर्मों की आत्माएं इकट्ठी होती है। जहाँ सब धर्मों की आत्माएं विश्व आत्माएं विश्वजन इकट्ठे हो जाते हैं,
अर्थात 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया होती है, उसको जो नाथ लेता है, कंट्रोल में कर लेता है, अपने पीछे पीछे चलाता है, आओ ऊपर चले, झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, तो क्या कहेंगे, श्रीनाथ कहेंगे या जगतनाथ कहेंगे? वो है जगतनाथ, श्रीनाथ है और जो जगन्नाथ है, उनमें पूर्वी सभ्यता का कौन है और पश्चिमी सभ्यता का कौन है? पश्चिमी सभ्यता वाले अच्छा अच्छा खाने में, अच्छा अच्छा पहनने में, अच्छा अच्छा रहन सहन करने में बहुत लगाव वाले होते हैं, और पूर्वी सभ्यता वाले जस्ट पुराने होते हैं या नई सभ्यता वाले होते हैं? पुरानी सभ्यता जगन्नाथ की है, ईस्टर्न जोन की है, और बंबई की सभ्यता, गुजरात की सभ्यता पश्चिमी सभ्यता है। आज की दुनिया में भी, आज भारतवर्ष में भी ज्यादा धन संपत्ति कौन से प्रदेश में है? पश्चिम प्रदेश में, गुजरात और बंबई में है। और गरीब देश कौन सा है? सारा ईस्टर्न जोन गरीब है। भगवान किसका पक्ष लेता है? गरीब निवास गया हुआ है, जगन्नाथ है, वो अपना अड्डा कहाँ जमाता है? जगन्नाथ का मंदिर कहाँ बनता है? जगन्नाथ का मंदिर पूरब में बनता है या पश्चिम में बनता है? पूरब में बनता है। जगन्नाथ पूरब में पूजा जाता है और पश्चिम में श्रीनाथ को पूजा जाता है। श्रीनाथ के दरबार में भोग भी पैसों से मिलता है, जगन्नाथ दरबार में भोग की कोई कीमत नहीं दी जाती है। बैग रखा है, कैसा है? कैसा है? खाना हमें पूरा है। अब आप 24-1-75 की दूरी में बुला हुआ है। अरे तुम तो तारीखें भी याद कर लेते हो। याद है? हाँ, 24-1-75 की दूरी में बुला हुआ है। हाँ, जैसे दादा एक राज के तरवे प्रदेश का नाम पड़ा ब्रह्म, फिर वही सुप्रीम कोर्ट दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है, जिसको बाप का पुत्र रथ कहा जाता है, उनका नाम प्रतिष्ठा रूपी नाम पड़ा शंकर है, प्रतिष्ठा रूपी नाम पड़ा शंकर, शंकर प्रतिष्ठा रूपी नाम पड़ा शंकर। तो ऐसा क्यों ये तो ब्रह्मा में तो भगवान आते नहीं है, तो फिर मुरली में ऐसा दोनों शब्द क्यों जो है शुरू प्रयोग किया? आते हैं, लेकिन अम्मा के रूप में सहनशील रूप में आते हैं, इसलिए उसको भगवान नहीं कहा जाता। ये बताएं, सहनशील होते हैं, भगवान को नहीं कहेंगे कि वो सकल सहनशीलता धारण करने वाला है। वो सहनशीलता अगर धारण करेगा तो ये असुरों का विनाश कैसे होगा? भगवान कैसा आता है बन करके? असुर संहारकारी बनने के लिए आता है, असुरों की दुनिया खलास करने के लिए आता है। करता तो नहीं, वो करवाते हैं। ब्रह्मा के रूप में करण करावन हार जब करा गया है, बीच में बोलने का ज्यादा शौक है, करण करावन हार जब कहा जाता है तो शरीर के द्वारा ही करण हार है,
शरीर के द्वारा ही करावन आ रहे कि बिंदी करावन आ रहे? शक्तियों के द्वारा असुर संहार कारिणी करावन आ रहे तो शरीर के रूप से है या बिंदी के रूप से है? बिंदी के रूप से करावन आ रहे। शक्तियां ही विनाश करती है, असुर संहार कारिणी प्रैक्टिकल में गाई हुई है, परंतु उनको प्रेरणा कौन देता है? प्रेरणा देने वाला कोई साकार में है या परमधामवासी है? साकार में। इसलिए कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। द्वारा क्यों लगा दिया जब वो करता ही नहीं है? मुरली ने बोला क्या शंकर विनाश करता है? शंकर कुछ भी नहीं करता। अरे करने का काम न करने का काम इंद्रियों से किया जाएगा या बिना इंद्रियों के किया जाएगा? इंद्रियों से किया जाता है। वो तो इंद्रियों से कोई काम ही नहीं करता। वो जो बैठक दिखाई गई है वो इंद्रियों से काम करते हुए दिखाई गई है या बैठा हुआ दिखाया गया है? कोई काम नहीं करता। कोई मंदिर में चले जाओ वो लिंग के रूप में बैठा हुआ है, उसको इंद्रियां दिखाई नहीं जाती है। तो इंद्रियां नहीं दिखाई जाती है फिर भी करण आ रहे या करावन आ रहे? करावन आ रहे। इंद्रियों से खुद कोई काम नहीं करता है, परंतु एक इंद्रिया ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है, परंतु दसों इंद्रियों का राजा है। कौन? मन। ये मन के संकल्पों से वो करावन आदमी बनता है। ये याद की ऐसी स्टेज है जो चाहे सो कर सकता है और करा भी सकता है। सतयुग में गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग कहेंगे? क्योंकि दिन की शुरुआत है, ये सच्चा सच्चा गुड मॉर्निंग सतयुग के आज में है। और आज की दुनिया में जो कहते हैं गुड इवनिंग, तो वो गुड इवनिंग है या गड्ढे में जाने की इवनिंग है? गड्ढे में जाने की इवनिंग को कह देते हैं गुड इवनिंग। ऐसे ही कहते हैं गुड नाइट। बाबा कहते हैं ये गुड नाइट नहीं है, ये तो बस्ट नाइट है। और सतयुग में तो गुड नाइट होती ही नहीं, नाइट ही नहीं होती। वहाँ अंधेरा कभी होता ही नहीं। बाबा ये का मतलब क्या है? धोतिया का मतलब क्या है? धोतिया धोतिया का मतलब धोतिया इधर की बात उधर लगाने वाली, उधर की बात इधर लगाने वाली, उधर की बातें झूठी झूठी बातें बना के इधर कान में लगा देती और इधर की झूठी झूठी बातें उधर कान में लगा दे। जो लड़ाई लड़ाने वाली होती है उनको धूतियाँ कहो पटखा कहो बातें की धूर्त धूर्त सबसे बना है धूता धूर्त और धूती का बिगड़ा हुआ रूप है धूत और धूतियाँ।
মানে কাম কর সকে কারিয়ল কাম না কর সকে ইন কারিয়ল মানে আত্মা জব শরীর ছোড় দেতি হো কই কাম নেই কর সকতি আত্মা কোগে ইন কারিয়ল वो आत्मा जब शरीर धारण करती है तो शरीर की कर्मेंद्रियों से काम करती है, ये काम करने को ही कारपोरियल कहा जाता है। इन्होंने नहीं सुन पाया, हमारी बात छोड़ दो। মনমোহন সিং যে আবিকা ভারত কাজ মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বিদেশ কো ভারত মে বুলাতে হ্যাঁ ব্যবসা করতে গেলে হ্যাঁ বেহুদ মে ইসকা কে আর হতা হ্যাঁ मन को मोहने वाला कौन है? वो मनमोहन कौन है? है? मन को जो भी मोहने वाला है वही मनमोहन है। और वो विदेशियों को निमंत्रण देता है। ब्रह्मा की गोद में विदेशियों ने ज्यादा खेल खेले हैं या भारतवासियों ने ज्यादा खेल खेले हैं? जिन भारतवासियों ने खेल नहीं खेले हैं उनको क्यों निमंत्रण देगा? किसको निमंत्रण देके आया? विदेशियों को निमंत्रण देने के देके आया कि आओ भारत में हम तुम्हें बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके दिखाएंगे कि भारत क्या कर रहा है। कहानी है मान सरोवर में देवी देवताएं नहाते हैं, इसका बेहद क्या अर्थ क्या है? ज्ञान बान सरोवर कहा जाता है, मान सरोवर है नीचे पहाड़ पर दिखाया जाता है और है भी वो हद का मान सरोवर है, इसका पानी पारदर्शी है, वो पानी पानी है, सब पानी को भुलोने से अमृत नहीं बन सकता, ये तो ज्ञानमान सरोवर की बात है, जो ज्ञानमान सरोवर है मनन चिंतन मंथन करने के बाद ऐसा ज्ञान जल उसमें इकट्ठा होता है जो पारदर्शी हो जाता है, जैसे आज के चित्र पारदर्शी बने हैं, ट्रांसलाइट के बने हैं, ऐसे ही जो मानसरोवर का ज्ञान जल है वो पारदर्शी ज्ञान जल है और मानसरोवर बहुत ऊंचाई पर होता है या नीचे होता है? बहुत ऊंचाई पर होता है। जो बहुत ऊंचाई पर मानसरोवर है उसका पानी खारा भी है या मीठा ही मीठा है? मीठा ही मीठा है। समान सरोवर में स्वच्छ सरोवर के जल में देवात्मा स्नान करती है, आसुरी आत्माओं की बुद्धि में वो नहीं बैठता, नसीब नहीं होता है, इसलिए भारत में मन सरोवर दिखाया गया। यहां से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती,
जो सदैव ऊंची उसकी स्टेज पर बैठी रहती है, लास्ट में आकर के नीचे उतरती है और गंगा सागर का मेला कहा जाता है। वास्तव में गंगा पहले जाकर के ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, फिर ब्रह्मपुत्रा का जल गंगा सागर में जाकर मिलता है। गंगा सीधी जाकर के नहीं मिलती सागर से, पहले किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, तब गंगा सागर का मेला होता है। लास्ट में लगाया हुआ है ब्रह्मपुत्रा नदी का जल, ओरिजिनली मानसरोवर से आया है। यज्ञ के आदि में वो ब्रह्मपुत्रा कौन है? बाबा ने ब्रह्मपुत्री नाम दिया है या ब्रह्मपुत्रा नाम दिया है? बाबा ने ब्रह्मपुत्रा नाम दिया है और भक्ति मार्ग में ब्रह्मपुत्री गाई हुई है। भक्ति मार्ग में जो भी नदियां गाई हुई है उनके नाम संपूर्ण स्टेज के नाम है या अपूर्ण स्टेज के नाम है? संपूर्ण स्टेज के नाम है। कौन सी ब्रह्मपुत्री नदी है जो ऊंची ऊंची स्टेज में सदैव पहाड़ों पर बहती है, लास्ट में जाके नीचे गिरती है, सागर में मिल जाती है? अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं आता, पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज पर बहती है। आपका कोई बच्चा है एडवांस वाले यहाँ पार्क बजट के बजट से भी आपको बेसिक में कोई माउंट ऑफ जाकर जीते का सब बताया, उनका हाल क्या होगा? आपका कोई बच्चा मतलब एडवांस वाला बच्चा यहाँ पार्क बजट के बजट से भी उधार भी आपको बेसिक वाले का जो एडवांस बेसिक वाले जो माउंट ऑफ है उधार में भी जाकर पार्क बजाएगा तो उनका हाल क्या होगा? एडवांस ज्ञान समझा था क्या कहेंगे? नहीं समझा था, नहीं समझा तब वापस चला गया। समझा हुआ है तो नहीं जाएगा। जैसे एक बार जो ब्रह्मा कुमार बन गया दुनिया के भक्ति मार्ग के आडम्बरों को छोड़ करके, वो कभी भी वापस नहीं जाता भक्ति की दुनिया में। ऐसे ही जो एडवांस में आकर के बाप को पहचान लेता है वो कभी भी वापस जाकर के ब्रह्मा कुमार नहीं बनेगा। जोधी जाएगा बाबा हैं? जोधी जाएगा वो छोड़ ही गया, मिल गया नहीं तो और क्या कहेंगे? मिल गया नहीं मर गया, मिल जाने वाला तो फिर भी जिंदा रह सकता है। श्री जी के आने से आएगा तो क्या भक्ति करना पड़ेगा? माफी मांगना पड़ेगा, माफी नामा लिखना पड़ेगा और स्टाम्प पेपर पे लिखना पड़ेगा और कोर्ट में जाकर के साइन करने पड़ेंगे। अच्छी है, रोगी और जोगी जीवन वाले दोनों की आवश्यकता क्या है? रोगी जोगी जोगी योगी जोगी जीवन वाले हाँ क्या? योगी हो जाता है जिसका योग लग जाता है वो जीवन बंध में नहीं है, जो भोगी है वो जीवन बंध वाला है, उसका जीवन
विकारों के बंधन में बंधा हुआ है, जिसका योग लग चुका परमात्मा बाप के साथ, वो विकारों में कैसे डूबेगा, विकारों के बंधन में कैसे आ सकता है? या तो अधूरा योगी है, बाकी भोगी है। भोगी है तो बंधन है, और योगी है तो निर्बंधन है। योगी और रोगी जीवन वाले दोनों में अंतर क्या है? एक होता है योगी शब्द और दूसरा होता है योगी जीवन वाले। जीवन माने जीवित है, जो जीवित ही नहीं है वो योगी कहेगा। जो जीवित है वही योगी होगा, या जीवन ही खत्म हो गया तो योगी है। जीवन रहते रहते योगी बनेगा कि जिंदगी ही खत्म हो गई, मुर्दा बन गया, फिर योगी हुआ? बोलते कहीं नहीं। तो बाबा मन के योगी हो ना योगी जीवन वाले हो। हाँ, योगी जीवन वाले में दोनों ना हो। जो जीवन जी रहा है देह अभिमान में वो भोगी है, देह अभिमान से परे है, लेकिन बाप को पहचानता है और बाप की याद में है, योगी है। भले जिंदा होगा लेकिन जीते जी मरा हुआ होगा। और